बस्ती और कानपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की हत्या मामले में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर हमला बोला है। अजय कुमार ने आज ट्विटर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सरकार अपराधों को रोकने में पूर्णतः विफल है। बस्ती में छात्र नेता और कानपुर में यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता की हत्या उत्तर प्रदेश की सच्चाई बयां कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को बस्ती में बीजेपी नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बस्ती में कई रोडवेज बसों को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कानपुर में एक विवाद सुलझाने पहुंचे यूथ कांग्रेस के नेता शोएब खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वारदात चकेरी थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश इलाके की है। हत्या का आरोपी रवि यादव पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है और वो वारदात के बाद से ही फरार है। अब बढ़ते हैं।